नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। कल का दिन यानी 2 सितंबर 2023 का दिन भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला श्रीलंका के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें अपनी तैयारियों से पूरी तरह से तैयार हैं, अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और कल दोनों टीमों के बीच भयंकर मुकाबला खेले जाने की उम्मीद है। हालांकि एक डर भी है कि अगर बारिश आ जाती है तो मुकाबले में बारिश खलल डाल सकती है, लेकिन हम सभी फैंस चाहते हैं कि ये मुकाबला पूरा हो बिना बारिश के खलल डाले। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में कि आखिर एक दूसरे के खिलाफ कैसा प्रदर्शन है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जितने भी खेल रहे हैं इस मुकाबले में या खेलेंगे, उनका भारत के खिलाफ कैसा प्रदर्शन है, वहीं भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका पाकिस्तान के खिलाफ ODIs में कैसा प्रदर्शन रहा है अभी तक। हम इस वीडियो में सिर्फ ODIs के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो ऑन पेपर दर्ज हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की टीम से, जहां पे सबसे पहला नाम आता है उनके कप्तान बाबर आजम का। पाकिस्तान के कप्तान पिछले मुकाबले में नेपाल के खिलाफ बेहतरीन 150 रनों की पारी खेली थी, लेकिन भारत के खिलाफ उनका बल्ला अक्सर खामोश रहता है। भारत के खिलाफ बाबर आजम ने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने 158 रन बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर है उनका 48 और एवरेज है 31 का। यानी जिस हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं, बाबर आजम उस कद के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं है। भारत के खिलाफ उनका बल्ला खामोश रहता है, अक्सर भारतीय गेंदबाज उनका विकेट जल्दी लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एशिया कप, लगभग दोनों टीमें 2019 के बाद 4 साल बाद ODIs में एक दूसरे से भिड़ेंगी, आमने सामने आएंगी। और 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अब 4 साल बाद पाकिस्तान की टीम में भी काफ़ी सारे बदलाव हैं, भारतीय टीम में भी काफ़ी सारे बदलाव हैं, लेकिन कप्तान बाबर आजम का बल्ला भारतीय टीम के खिलाफ नहीं चलता है। और पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि कप्तान बाबर आजम जिस लय में चल रहे हैं वही लय बरकरार रखें और भारतीय टीम के खिलाफ भी बेहतरीन प्रदर्शन करें। एक बार आंकड़े फिर बता दें, 5 मुकाबले 158 रन, हाईएस्ट मात्र 48 रन और वहीं एवरेज है 31 का। दूसरा नाम आता है मोहम्मद रिजवान का, लेकिन आपको बता दें मोहम्मद रिजवान को अभी तक भारत के खिलाफ कोई भी ODI खेलने का अनुभव नहीं है। यानी ये ODIs में भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। हालांकि T20 में पहले मुकाबले खेल चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन भी कर चुके हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, 10 विकेट से पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी, वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने एक अहम पारी खेली थी। तीसरा नाम फखर जमान। देखिए, फखर जमान की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा तो जरूर रही होगी, क्योंकि हर मुकाबले में उन्हें स्टार्ट मिल रहा है। अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई थी उनकी, वहाँ पर भी स्टार्ट मिला। नेपाल के खिलाफ मुकाबला था, वहाँ पर भी 10-15 रन की पारी का स्टार्ट मिला, लेकिन उसको बड़े स्कोर में कैपिटलाइज करने में नाकाम रह रहे हैं। लेकिन भारत के खिलाफ फखर जमान का बल्ला काफ़ी बखूबी बोलता है और पाकिस्तान की टीम चाह रही होगी कि अभी एशिया कप उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है, इसलिए फखर जमान का उनके ओपनर बल्लेबाज का फॉर्म में आना बेहद जरूरी है और वो फॉर्म में वापसी भारतीय टीम के खिलाफ करें तो ये आइस ऑन द केक वाली बात हो जाएगी। फखर जमान के रिकॉर्ड देखिए, 4 मुकाबले 207 रन और हाईएस्ट 114 रन। आपको चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला याद होगा जहां एक तरफा मुकाबला ये बना के ले गए थे पाकिस्तान के लिए। 51 की एवरेज है, यानी काफ़ी डिसेंट इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं इंडियन टीम के खिलाफ। तो इस बार जब कल दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो वहाँ पे फखर जमान के ऊपर सारी निगाहें होंगी, वो भी अपनी फॉर्म में वापसी, अपने पसंदीदा टीम जिसके खिलाफ वो ज़्यादा रन करते हैं, कोशिश करेंगे कि उसके खिलाफ दोबारा एक बार अपनी फॉर्म में वापसी करा पाएं। इमामुल हक बता दें, देखिए बेहतरीन लय में चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान की सीरीज़ हुई थी वहाँ पर बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे और उसके बाद जो इनका एशिया कप में पहला मुकाबला हुआ, हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, बल्ले से रन नहीं निकले। 3 मुकाबले 19 रन, 6 की एवरेज और हाईएस्ट 10, यानी सिर्फ 3 मुकाबले खेलें, उतना ज़्यादा भी अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पर बात करें तो भारतीय टीम के खिलाफ एक्सपीरियंस ODIs में बहुत कम है। सिर्फ 3 मुकाबले खेले हैं, मात्र 19 रन हैं। इसके बाद इनके वाइस कैप्टन की बारी आती है शादाब खान। 2017 से भारतीय टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और बाबर आजम भी उसी से खेल रहे हैं, फखर जमान भी वहीं से खेल रहे हैं और इस बार शादाब खान देखिए 5 मुकाबले 4 इनिंग में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 52 रन, 20 इनका हाईएस्ट स्कोर है, एवरेज है 26 की। वैसे देखिए, जिस पोजीशन पे शादाब खान बल्लेबाजी करने आते हैं वहाँ पे स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ की जरूरत होती है, आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होती है, लेकिन उसमें चार बार इनको बल्लेबाजी का मौका मिला है। 5 मुकाबले में 4 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है, लेकिन रन कुछ खासा अच्छे नहीं आए, सिर्फ 52 रन हैं, हाईएस्ट है 20। अब इसके बाद नाम आता है शाहीन अफरीदी का, जिनके ऊपर सभी निगाहें टिकी होंगी। T20Is की बात करें तो उन्होंने भारतीय टीम को बखूबी परेशान किया है, खास तौर से भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को, जिसमें रोहित शर्मा का नाम आता है, विराट कोहली का नाम आता है। लेकिन अभी तक ODIs में सिर्फ भारत के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी ने 1 मुकाबला खेला है, उसमें भी 42 रन दिए हैं और कोई सफलता इन्हें हाथ नहीं लगी है। ये भी मुकाबला 2018 का एशिया कप था, वहाँ पे 2 मुकाबले भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम के बीच हुए थे, लेकिन इन्हें सिर्फ 1 मुकाबला मिला था, 6 ओवर
और 42 रन सिर्फ एक मुकाबला, यानी ओडीआई में जब आपको 10 ओवर का कोटा कंप्लीट करना होगा तो वहां आपकी परफॉर्मेंस को गौर किया जाएगा। यह टी20 मुकाबला नहीं है जहां आप शुरुआती के दो ओवर डालेंगे, लास्ट के दो ओवर डालेंगे। शुरुआत में अगर आपको स्विंग मिल रही है तो कप्तान आपको कई की मरतबा 3 ओवर भी करा देते हैं। ये ओडीआई है, यहां पे आपको 10 ओवर का स्पेल कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको डेथ में गेंदबाजी करनी होगी। मे बी मिडिल ओवर में आपके कप्तान आपको कैपिटलाइज करना चाहें, यहां आप कैसी गेंदबाजी करेंगे इसके ऊपर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी शुरुआती ओवर ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और लगातार दिखा रहे हैं और ये शुरुआती ओवर्स में विकेट लेते जा रहे हैं। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद नवाज का, यहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत कम है, स्पिन गेंदबाज है, 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, तेज स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं, हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक मुकाबला और यहाँ पे 15 रन बस। यानी पाकिस्तान की टीम में अब जितने बाकी खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें आप इफ्तिकार अहमद की बात करें, काफ़ी लंबे वक्त से पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़े हैं, लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ एक भी ओडीआई मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला। नसीम शाह तो अभी देखिए करियर के शुरुआती चरणों में हैं, भारतीय टीम के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं है। हारिस राउफ इन्होंने भी नहीं खेला। उसके बाद अगर सलमान आगा खेलते हैं टीम में तो उनको भी भारतीय टीम के खिलाफ कोई भी ओडीआई खेलने का अनुभव नहीं है। यानी पाकिस्तान की टीम के पास अगर अनुभव की बात करें तो बाबर आजम, फ़खर जमान, इमामुल हक, चलिए 3 मुकाबले खेले हैं, शादाब खान, ये आपके 3-4 कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ खेला है। रणनीतियों को समझते हैं, प्रेशर दबाव को समझते हैं, बाकी खिलाड़ियों के ऊपर ओडीआईज का दबाव होगा। देखिए 50 ओवर का फॉर्मेट है, आपको लंबे वक्त तक यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन करके रखना पड़ता है, मैदान पे वक्त गुजारना पड़ता है, प्रेशर बड़ा होता है आपके पास। तो पाकिस्तान के खिलाफ अनुभव सिर्फ 3-4 खिलाड़ी होल्ड करते हैं इंडिया के खिलाफ खेलने का। तो अगर पाकिस्तान की टीम की तरफ से बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, ऑन पेपर रिकॉर्ड्स की बात करें, तो वो सिर्फ 3-4 खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय टीम के खिलाफ ओडीआई में खेलने का अनुभव है। बाकी खिलाड़ियों ने देखिए टी20 मुकाबले खेले हैं, प्रेशर बखूबी समझते हैं, लेकिन ये ओडीआई मुकाबला है टी20 से काफ़ी अलग है। लेकिन पाकिस्तान की टीम बेहतरीन लय में चल रही है तो एक तरफा मुकाबले की उम्मीद नहीं है। दोनों टीमें पुरजोर कोशिश करेंगी एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए और जो टीम दबाव अच्छे से झेलेगी उसकी जीत निश्चित है। वहीं अब भारतीय टीम की बात करते हैं। देखिए भारतीय टीम में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और एक्सपीरियंस देखिए मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा कितना एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। शुरुआत करते हैं भारतीय कप्तान से, रोहित शर्मा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 16 मुकाबले खेले, 720 रन, 51 की एवरेज और हाइस्ट स्कोर है 140। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा कितने खतरनाक हो जाते हैं और काफ़ी लंबे वक्त से खेल रहे हैं, कई जनरेशन्स को देखी है पाकिस्तान क्रिकेट की और अभी तक बेहतरीन लय में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना इनको रास आता है। तो 16 मुकाबले, 720 रन और 51 की एवरेज, काफ़ी शानदार आंकड़े हैं और हम सभी चाहते हैं कि एक बार फिर ये आंकड़े हमें देखने को मिले, एक बार फिर वो लय हमें बरकरार दिखे पाकिस्तान के खिलाफ इस एशिया कप में। और उसके बाद आपको 10 को दोबारा खेलना ही होगा पाकिस्तान के खिलाफ, फिर वर्ल्ड कप है, अगर एशिया कप के फाइनल में भी दोनों टीमें भिड़ती हैं तो वहाँ पे भी 3 मुकाबला को एशिया कप में ही खेलने पड़ जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और रोहित शर्मा की ये परफॉर्मेंस है, जो रिकॉर्ड्स हैं, वैसा ही रोहित शर्मा हमें मैदान पर चाहिए ताकि हमारी टीम एक मजबूत शुरुआत पाए और मुकाबलों में जीत दर्ज करे। उसके बाद किंग कोहली यानी विराट कोहली, देखिए 13 मुकाबले, 536 रन, 48.72 की एवरेज और 183 का हाईएस्ट स्कोर। और बता दें कि 183 का जो ये हाईएस्ट स्कोर आया था ये एशिया कप के ही मुकाबले में आया था। हालांकि इस पारी को आए लगभग 9-10 साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आपको याद होगा 2022 का टी20 वर्ल्ड कप भी, बहुत सारे मुकाबले आपको विराट कोहली के याद होंगे पाकिस्तान के खिलाफ जहां पे इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और पाकिस्तान के खिलाफ खेलना इनको बहुत रास आता है, इनके बल्ले से बखूबी रन निकलते हैं। यानी हमारा जो टॉप ऑर्डर है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहते हैं, बेहतरीन बड़े रन स्कोर करते हैं, तो इस मुकाबले में हम उम्मीद जता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे दोनों जो स्तंभ है हमारे बल्लेबाजी ऑर्डर के, वो बेहतरीन खेल दिखाएंगे और हमें मुकाबले में जीत दर्ज कराएंगे। उसके बाद नाम आता है वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या का, 2017 में पहला मुकाबला खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं पे एक पारी खेलते हैं, 76 रनों की चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला रहता है। एक बार उम्मीद जगा दी थी कि हम मुकाबले में वापस आते हैं, खैर वो मुकाबला हम हार गए थे, लेकिन 4 मुकाबले, 122 रन, 61 की एवरेज और हाईएस्ट 76, जैसा मैंने बताया चैंपियंस ट्रॉफी की वो पारी, यानी इनके भी रिकॉर्ड्स ठीक ठाक ही हैं। अब इसके बाद नाम आता है श्रेयस अय्यर का, जो हमारे मिडिल ऑर्डर में बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में खेलने का कोई अनुभव नहीं है।
इसके बाद रविंद्र जडेजा 9 मुकाबले 116 रन, 23 की एवरेज और हाईएस्ट जो है वो 52 रन। 9 मुकाबले तो हैं खेले लेकिन सिर्फ 6 इनिंग्स में इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और हाईएस्ट एवरेज रन है 116। यानी यहाँ पे जडेजा का बल्ला थोड़ा सा देखिए नहीं चलता है, लेकिन वही सेम जिस पोजीशन पे आते हैं ये बल्लेबाजी करने, नंबर 6-7 जब धोनी खेलते थे तो उनके बाद ही बल्लेबाजी करने का इनको मौका मिलता था, तो आप वहाँ आते हैं तो आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही करनी पड़ती है। तो अगर सिनेरियो बनता है तो वहाँ पे हम जडेजा के बल्ले से रन देखना चाहेंगे और इस बार एशिया कप और वर्ल्ड कप में हम जडेजा को ऊपर बल्लेबाजी भी करते देख सकते हैं, तो मे बी जडेजा का बल्ला भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। अब इसके बाद थोड़ी बात करते हैं अपनी गेंदबाजी यूनिट की, जहां पे सबसे पहला नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, 5 मुकाबले 4 विकेट और इकोनॉमी बहुत ही शानदार, आपको बता दें 4.97। साल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से शुरुआत की थी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की, उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप खेला, उस चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मुकाबले खेले, 2018 एशिया कप जो हुआ था वहां मुकाबले खेले, यानी कुल टोटल 5 मुकाबले 4 विकेट, इकोनॉमी शानदार है। जसप्रीत बुमराह जिस गति के गेंदबाज है, विकेट हो सकता है थोड़ी सी कम हो, 5 मुकाबले में 4 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर से जो आपके सबसे चिर प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, आप वहाँ मुकाबला हारना नहीं चाहते, वहाँ पे सिर्फ 4 विकेट निकाले हैं लेकिन इकोनॉमी बहुत शानदार है, यानी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद शमी का, 3 मुकाबले 5 विकेट इकोनॉमी दिखे इनके 3.82, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बहुत पहले मुकाबला खेले हैं, 2019 वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं खेले, स्क्वाड में थे लेकिन उस मुकाबले में शामिल नहीं थे, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का भी मुकाबला इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मिस किया, 2013 और 15 के स्पैन में इन्होंने 3 मुकाबले खेले पाकिस्तान के खिलाफ, 5 विकेट और इकोनॉमी रही है 3.82, लेकिन इस बार एशिया कप और वर्ल्ड कप में इनका खेलना प्लेइंग 11 में तय है, यानी मोहम्मद शमी को अपनी कमर कसनी पड़ेगी और पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। और देखिए शमी हमारे महत्वपूर्ण गेंदबाजों में से एक है, बुमराह और शमी इनके ही ऊपर हमारी गेंदबाजी उन्हें टिकी है, ये लीड कर रहे हैं और इनका प्रदर्शन डिसाइड करेगा कि हमारी टीम कैसा बेहतरीन प्रदर्शन करती है। अब इसके बाद आखिरी नाम आता है गेंदबाजी यूनिट में हमारे स्पिनर कुलदीप यादव का, चाइनामैन गेंदबाज है, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफी बखूबी परेशान कर लेते हैं, आपको याद होगा इनकी ये गेंद बाबर आजम का वो क्लीन बोल्ड, और बाबर आजम मैं बता दूं इनको खेलने से पहले वो एक बार वो जो आउट हुए थे उसको जरूर याद करेंगे, उनके दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं घूम रही होगी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कुलदीप यादव काफ़ी परेशान करते हैं, 3 मुकाबले 5 विकेट और इकोनॉमी देखिए 4.07, यानी ऑन पेपर से रिकॉर्ड देखिए तो भारतीय टीम के पास अनुभव भी ज़्यादा है और भारतीय टीम के रिकॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम पीछे नज़र आ रही है, लेकिन हालिया प्रदर्शन को देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम भी बेहतरीन लय में चल रही है और भारतीय टीम तो खैर देखिए अपने बेस्ट 11 के साथ आज उतरेगी और अच्छे परफॉर्मेंस, जितने भी खिलाड़ी हैं सभी अच्छे परफॉर्मेंस से आ रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में हैं, यानी कल जो मुकाबला खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला, दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। ऑन पेपर रिकॉर्ड्स में तो देखिए हमने आपको बता दिया कि भारतीय टीम बहुत आगे है, लेकिन हालिया प्रदर्शन दोनों टीमों के बेहतरीन है और दोनों टीमों के बीच कल एक टक्कर का मुकाबला, कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कल के मुकाबले में क्या होने वाला है, आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं, कौन सा भारतीय बल्लेबाज कल शतक लगाने वाला है, कौन सा भारतीय गेंदबाज कल अपने पंजे खोलने वाला है, हाईएस्ट विकेट कौन लेगा, ये अपनी सारी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।